सो हे गाइस, दिस इज पंकज एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक फोर पंकज। सो गाइस, क्या आप लोगों को ये पता है कि यूट्यूब पर एक ऐसा भी यूट्यूबर है जो 10 सेकंड का 2 लाख, एक दिन का 3 लाख, एक मंथ का 1 करोड़ और एक साल में 12 करोड़ रुपए अर्न करते हैं। तो क्या आप उस यूट्यूबर का नाम जानना चाहोगे? तो ये सब जानने के लिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। सो गाइस, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को ये बोला कि 10 सेकंड का 2 लाख, एक दिन का 3 लाख और एक मंथ का 1 करोड़ और एक साल का 12 करोड़ रुपए, तो ये जो पैसे अर्न करते हैं उनके चैनल का नाम है सौरव जोशी व्लॉग। आप लोगों में से अधिकतर लोग इन्हें तो जानते होंगे। तो ये इतना ज्यादा पैसे अर्न कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैंने ये बोला कि 10 सेकंड का 2 लाख, लेकिन ये चाहे तो 10 सेकंड में 2 से 5 लाख के बीच में भी अर्न कर सकते हैं। और वो तरीका है स्पॉन्सरशिप। अगर सौरव जोशी व्लॉग जी को स्पॉन्सरशिप आता है तो वो कम से कम 2 लाख चार्ज तो करेंगे ही करेंगे, मतलब 2 से 5 लाख वो 10 सेकंड की वीडियो बनाकर ही कमा सकते हैं। और सेकंड में मैंने ये बोला था कि एक दिन का 3 लाख रुपए। अब इसका मैं आप लोगों को प्रूफ देता हूँ। गाइस, सौरव जोशी जो है वो डेली एक व्लॉग अपलोड तो करते ही करते हैं और 30 डेज में 30 वीडियो अपलोड करते हैं और उनके हर एक वीडियो पर कम से कम 3 मिलियन व्यूज तो आ ही जाते हैं, मतलब 2.5 से 3 मिलियन व्यूज तो आ ही जाते हैं। और YouTube पर 1 मिलियन व्यूज का कम से कम 50,000 तो मिल ही जाते हैं, मतलब 3 मिलियन व्यूज का हो गया 1.5 लाख। और जो भी इनके चैनल पर न्यू ऑडियंस आएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एक वीडियो को देखे, वे चाहे तो उनके वीडियो अच्छे लगते हैं तो वो प्रीवियस वीडियो को चेक भी करेंगे। और ये तो सिंपल सी बात है कि सौरव जोशी व्लॉग का सभी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा मस्ती वाला होता है। तो गाइस, सभी उनकी वीडियो को चेक करेंगे तो मतलब उनके पर डे मैं कम से कम बोलूं तो 6 से 8 मिलियन व्यूज तो आ ही जाते होंगे, मतलब वो हर एक दिन के 3 लाख रुपए अर्न तो कर ही लिए। अब मैंने बोला कि वो हर मंथ 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब हर मंथ में 1 करोड़ कैसे कमाएंगे? जैसे कि वो डेली के 3 लाख कमाए, मतलब एक मंथ का हो गया 90 लाख। और स्पॉन्सरशिप अगर 1-2 भी मिल जाता है तो 1 करोड़ तो बहुत ही आसानी से उनका बन ही जाता है। तो इसी तरह अगर वो 1 मंथ में 1 करोड़ कमाते हैं तो मतलब ये तो सिंपल है कि वो 1 साल में कम से कम 12 करोड़ रुपए तो कमा ही लेंगे। तो गाइस, आप लोग सोच सकते हो कि एक यूट्यूबर सिर्फ 1 मंथ में इतना पैसा कमा सकता है जितना गवर्नमेंट जॉब वाला पूरे 1 साल में भी नहीं कमा पाएगा। एक यूट्यूबर सिर्फ 1 दिन में ही इतना पैसा अर्न कर सकता है जितना गवर्नमेंट जॉब वाला 2 से 3 महीने में नहीं कमा सकता। एक यूट्यूबर सिर्फ 1 घंटे में ही इतना पैसा अर्न कर सकता है जितना गवर्नमेंट जॉब वाला 2 से 3 दिन में नहीं कमा सकता। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, यूट्यूबर बनने से फायदे हैं या फिर नहीं, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। और गाइस, जिन्हें भी लगता है कि यूट्यूबर बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूबर अगर कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है और अगर क्रिएटर भी ज्यादा है तो जो ऑडियंस है उनकी संख्या भी कम नहीं है। ऑडियंस की संख्या भी ज्यादा है और क्रिएटर की संख्या भी ज्यादा है। तो अगर आप लोग एक यूट्यूबर हो तो आप लोग भी यूट्यूब पर अच्छे से वर्क करते रहिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड करते रहिए। आप लोग भी एक दिन जरूर से सक्सेस होगे और बहुत ही अच्छे खासे अर्न करोगे। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को 1 लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के एक बहुत ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।